सीक्रेट जिस मूवी को रोंडा कॉहन और उनकी टीम के सारे मेंबर्स ने बनाया था और दुनिया के करोड़ों लोगों ने द सीक्रेट के नियमों को फॉलो किया और फॉलो करके अपनी जिंदगी को बदला है और अपनी बीमारियां भी ठीक की हैं और फाइनेंशियल सेक्टर में भी आगे बढ़े हैं, अमीर भी बने हैं। चूंकि उसने जो बताई गई बात है उसका मेन सार क्या है ये जानना जरूरी है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं। बहुत ढेर सारे लोगों ने यूट्यूब पर इस टॉपिक पर बहुत वीडियोस बनाई हैं, अपने अपने तरीके से सभी लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है, मैं अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं एक लाइन में कि आज इस वक्त मैं आपके सामने इस रूप में हूं, तो उसमें 90% से भी ज्यादा रोल प्ले करने वाली कोई शक्ति है, कोई रूल है, कोई फॉर्मूला है, तो वो है द सीक्रेट। द सीक्रेट के जो फॉर्मूले हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सबसे बड़ा सिद्धांत, दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत बताया, आकर्षण का सिद्धांत। आकर्षण का सिद्धांत एक्चुअल में सब कुछ है। आप जानिए या ना जानिए, आपकी जिंदगी में हर चीज आकर्षित हो रही है। मतलब इस नियम के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, अनपढ़, पढ़ा लिखा, ज्ञानी, अज्ञानी, मूर्ख, कोई भी इंसान, सबके ऊपर एक समान ये नियम लागू होता है। और इसका सार क्या है, अगर आप इस नियम को जीना चाहते हैं तो इसके सार को जान लीजिए। सार क्या है, फील गुड या बैड, फील बैड, फील बैड या फील गुड। लास्ट में उस मूवी के अंत में रणावन ने लिखा है नदी के किनारे उस रेत के ऊपर एक लकड़ी के सहायता से कि फील गुड। मतलब अगर आपको आकर्षण के सिद्धांत के जो खजाने हैं उस खजाने से आपको चीजें प्राप्त करनी है तो फील गुड कीजिए। यानी कि अगर आपको आपकी लाइफ से पॉजिटिविटी चाहिए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए और आपको वो सब कुछ चाहिए जो आप पाना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, तो उसके लिए आपको अच्छा एहसास करना पड़ेगा। मतलब अपने फीलिंग्स को गुड बनाना पड़ेगा। अच्छे एहसास के साथ सुबह उठेंगे और रात तक अच्छे एहसास के साथ सारे काम को करेंगे और सुबह फिर उठते ही अच्छे एहसास के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। ये अच्छा एहसास, एहसास, फीलिंग, ये फीलिंग ही सब कुछ है। इस सीक्रेट का सार है फीलिंग्स, 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 एहसास। आपके एहसास कैसे हैं आप जरा सोचिए, आपके एहसासों में कैसा एहसास है, आप जो एहसास कर रहे हैं, मतलब फील कर रहे हैं किसी भी चीज के बारे में, फील कर रहे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा बुरा, बस इन्हीं दोनों फीलिंग्स को समझिए। कि अगर आप इस वक्त इस वीडियो को देखते हुए बुरा एहसास कर रहे हैं, बैड फीलिंग कर रहे हैं, नाक बहुत सिकोड़ रहे हैं और मेरे इस एटीट्यूड को देखकर आपको बहुत बुरा लग रहा है, खराब लग रहा है, और हो सकता है आपके मन में आ जाए कि आप मुझे चार गालियां भी दे दें, लेकिन मैं आपको सुन तो नहीं रहा हूं। ध्यान दीजिए, मैं आपको सुन नहीं रहा हूं, लेकिन आप मुझे सुन रहे हैं और आपने गुस्से में फोन पटक दिया और चैनल हटाया, वीडियो हटाई और मुझे दो गालियां दी। इसका मतलब यह है कि आप बुरे एहसास में हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं, आपको लगेगा कि ये सब बकवास है, ये लोग क्या वीडियो के ऊपर बताते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, जिसको देखो वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताना शुरू कर देता है, तो मैं क्यों सुनूं, इससे कुछ नहीं होता, मेरी जिंदगी में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। बल्कि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना शुरू किया तो मेरी जिंदगी और बर्बाद होना शुरू हो गई। बहुत लोगों के व्यूज आपको सुनने को मिल जाएंगे, ऐसे व्यूज दे रहे हैं तो वो ये नहीं समझ रहे हैं। मैं उन सारे ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को बुरा बताया है और बहुत बकवास कहा है। मैं ऐसे सभी लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि उनकी फीलिंग बुरी है, ये नियम बुरा नहीं है। आप इस नियम को फॉलो करते वक्त हमेशा शीघ्रता में रहे हैं, जल्दबाजी में आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखिए।
और आप ये सोचते हैं कि एक नियम मैंने जान लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और मैं सोचना शुरू करूंगा आज से, और कुछ ही दिनों में मुझे गाड़ी मिल जाएगी, घर मिल जाएगा, और मेरे सारे कर्ज समाप्त हो जाएंगे, और मेरे पास ढेर सारा धन आने लग जाएगा। हाउ, कैसे? आप जरा सोच कर देखिए कि पूरी मूवी में, और द सीक्रेट की जो बुक है रणावन की, उस पूरी बुक में कहीं भी ये नहीं बताया गया है कि आप सारे काम छोड़ के सिर्फ इसे सोचना शुरू कीजिए और आपके पास हो जाएगा सब कुछ, वो हो जाएगा, कहीं भी ये नहीं कहा गया है। और मैं भी आपको ये नहीं कहता, अट्रैक्शन को जानने के बाद सोचना शुरू कीजिए पॉजिटिव, अच्छा, पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए और आपकी जिंदगी में अच्छा और पॉजिटिव हो जाएगा। एक कल्पना में चेक तैयार कीजिए, यूनिवर्सल बैंक का चेक, और उसमें 1 करोड़ 10 करोड़ अमाउंट भरिए, और एक इमेज लगाइए अपने कमरे में दीवार के ऊपर कि आपको एक अच्छा सा घर मिल गया, एक अच्छी सी गाड़ी मिल गई लाखों रुपए की, यानी कि फरारी कार मिल गई या कोई और मर्सिडीज कार मिल गई, इस तरह की महंगी कार आपने फोटो लगा दी, और सुबह उठ के देख रहे हैं, रात को सोने से पहले देख रहे हैं, 4 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद आप ऊब जाएंगे ऐसा करने से। क्यों ऊब जाएंगे? कि आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना करने मात्र से मुझे मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, जो कि फिजिकल रियलिटी की बात कर रहा हूं मैं, आपको जब भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? भूख लगना एक बात है, भूख मिटाने के लिए आपको अपनी मनपसंद की डिश डिसाइड करनी पड़ती है। ओके, डिसाइड करनी पड़ेगी, आप खीर पूरी खाएंगे, पनीर खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, या रेस्टोरेंट में जाके पराठे खाएंगे, या कुछ और क्या खाएंगे, कहाँ खाएंगे? तो आपने डिसाइड किया कि आपको पनीर की सब्जी और चावल खाना है, राइट? इतना आपने डिसाइड किया, ये आपकी डिश हो गई। अब जरा कल्पना कीजिए कि आपने सोच लिया कि आपको पनीर की सब्जी खानी है, तो क्या वो पनीर आपके सामने आ जाएगी? कब आएगी, कैसे आएगी? इसके लिए कुछ प्रोसेस तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप बनाना नहीं चाहते तो आपको खरीदने के लिए रेस्टोरेंट, यानी खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा, घर से रेस्टोरेंट तक चलकर जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट आपके पास नहीं आएगा। या तो आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, तो ऑर्डर तो करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, टाइम खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, समय लगाना पड़ेगा, तब आपके पास वो चीज आएगी, यानी कि पनीर का पूरा डिश, पूरा भोजन आपके पास आएगा। आपने ऑर्डर किया, सिलेक्ट किया, यही बारीकियां तो द सीक्रेट मूवी में बताई गई हैं। और उस मूवी के में बताए गए नियमों को जिन इंसानों ने समझा है, जैसे मैंने भी समझा है इसको, और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही जीता हूं, और आज आपके सामने उसी की देन है कि ऐसे बैठकर मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बता रहा हूं, और मैं अपनी फिजिकल लाइफ में, रियल लाइफ में इन सारी चीजों को इस्तेमाल करता हूं। मैं एवरी टाइम फील गुड रखता हूं, फील गुड। सिचुएशनल अगर हमारे थॉट्स थोड़े देर के लिए बैड हुए या फीलिंग बैड हुई, तो मैं तुरंत उसको स्ट्राइक करके ले जाता हूं उस चैनल पे जहां पे मैं गुड फीलिंग कर सकता हूं, अच्छा एहसास कर सकता हूं, और अच्छे एहसास के साथ अपने थॉट को अच्छा कर सकता हूं। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रहस्य, द सीक्रेट का रहस्य सिर्फ इतना है, और एक शब्द में इसको समेट दिया गया है। ये शब्द अगर आपने सुन लिया और ये शब्द आपने जीना शुरू कर दिया, तो आपको बहुत ढेर सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे। आप इस शब्द को जीने के लिए आपको अपने रिश्ते को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी फिजिक बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने फिनांस को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, सोसाइटी को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, फिर आपको वो चीज मिलेगी, अन्यथा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जीना छोड़ दीजिए। आप नहीं मान रहे हैं, मत मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके न मानने से सच्चाई बदलती नहीं है, जो सच है वो सच है। इसलिए मैं एवरी टाइम फील गुड रखता हूं और आपके सामने ऐसे बोल पा रहा हूं। आप मुझसे पर्सनली मिलिए, मेरी लाइफ स्टाइल देखिए, मुझसे बात कीजिए, फिर देखिए कि मैं जो बोल रहा हूं वो कितना सच है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को सार्थक करना चाहते हैं, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से फील
फील गुड करना शुरू कीजिए, और द मूवी द सीक्रेट मूवी का सार यही है और कुछ नहीं है, बस इतना सा एक शब्द, जैसे श्रीमद् भागवत गीता का सार क्या है, एक ही, जो हो रहा होने दो, जो हुआ उसे होने दो, जो होगा वो भी अच्छा है। मीन्स कि ये सार है पूरे एक दो तीन लाइन में, दो तीन शब्दों में गीता पूरी कहानी पूरी दुनिया पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर डाल दिया गया। उसी तरीके से द मूवी सीक्रेट है, इस सीक्रेट मूवी में सार एक शब्द, फील गुड, बस। थैंक यू।